प्रारब्ध रूपी पूंजी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन को परिवर्तन करने में, और ऐसे ही परिवर्तन का दौर हमारे जीवन में प्रारंभ हो गया है, मकर लग्न के जीवन में प्रारंभ हो गया है 15 मई 2023 से। क्या होने वाला है इसी बात पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आपका जन्म यदि मकर लग्न में हुआ है, आप इसे मकर लग्न के अनुसार देखें, सटीकता बैठेगी। और यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप इसे मकर राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। दोनों स्थितियों पर अब चर्चा होने वाली है कि किस भाव के मालिक हैं आपके सूर्य और किस भाव पर बैठे हैं, क्या इनका प्रतिफल आपके जीवन पर होने वाला है। 15 मई 2023 का वो दिन होगा जब सूर्य देवता आपके जीवन में चतुर्थ भाव जो कि मंगल की राशि है इसको छोड़ करके शुक्राचार्य दानव गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि में प्रवेश करने जाएंगे। अब जहाँ पर सूर्य जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे शुक्र के घर पर, ये एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर सूर्य अपने आप को बहुत कम्फर्ट महसूस नहीं करेंगे। आप ऐसा सोचिए कि आप यदि किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर जा करके यदि वो आपके मित्र का घर है तब तो आपको बहुत सहजता महसूस होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन यदि यहाँ पर वो जिसके घर आप जा रहे हैं वो आपके शत्रु का घर हो, किसी विरोधी का घर हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य जिसके घर पर आए हैं वो इनके विरोधी के घर हैं, इनके शत्रु की राशि पर यहाँ पर सूर्य आए हुए हैं। सूर्य स्वयं एक राजा है, एक बात को भूलना नहीं है, और शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। तो अब और दूसरी तरफ क्या माना गया है, सभी 9 ग्रह में से सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, तो सूर्य के इर्द गिर्द ही बाकी सभी ग्रह घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से सूर्य अगर राजा जहां पर जाए तो वहां पर यदि उनका मन हो के न हो, राजा का वंदन उसे करना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य यहाँ पर जब आए हैं तो शुक्राचार्य जो दानव गुरु हैं उनको भी राजा का वंदन तो करना पड़ेगा भाई। अब राजा का वंदन करने का मतलब ये हो गया आपके पंचम भाव जागृत हो गए हैं। एक तरफ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे, नेगेटिव पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे इसके पॉजिटिव फल क्या मिलेंगे। एक सबसे पहला प्रभाव ये है, इस टाइम पर थोड़ी सी आपके अंदर ईगो की भावना आ सकती है, अभिमान जागृत हो सकता है, क्योंकि यही हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि भाव पर शुक्राचार्य के घर पर सूर्य का आना हमारे बुद्धि में थोड़ा सा हमें ईगो की भावना आ सकती है, तो हो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी होता है कि हमें अभिमान जागृत हो जाती है, परंतु माना जाता है कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, तो इस बात को आपको त्याग देना है, बस यही एक साइड इफेक्ट है। और क्या बोला गया है कि सूर्य नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। तो यहाँ पर अपने स्वार्थ को साधने की आपको बात नहीं करनी चाहिए इस समय पर। सबसे ज़्यादा जो आपको पॉजिटिव्स का फल मिलेगा अब उस पर बात करेंगे हम। पॉजिटिव फल कहाँ मिलेगा, पंचम भाव के सारे अच्छे कार्य आपके जीवन में होंगे। पंचम भाव का है का आपकी विद्या का, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सूर्य देवता यहाँ पर आ गए हैं। सूर्य देवता को आप प्रकाश मानिए, एक फोकस मानिए, एक फोकस की स्थिति। सूर्य के पास स्वयं एक मरकरी लाइट के बराबर इतना बड़ा पावर है, इनके पास रोशनी है, बाकी सभी ग्रहों के पास तो छोटी 100 वाट का बल्ब है, कोई 50 वाट का बल्ब है, किसी कोई मरकरी लाइट का छोटा रूप है, परंतु सूर्य तो भाई बाहर मरकरी लाइट है, इतने बड़े रोशनी के सोर्स हैं कि सारे जगत को ये प्रकाशित करते हैं, तो कैसे ये आपके पंचम भाव पर आकर के आपके पंचम भाव को प्रकाशित नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब यही पंचम भाव यदि आपको शिक्षा आप अर्जन करना कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपके आपके ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि ज्ञान का कारक माना गया है सूर्य को। भगवान हनुमान जी ने स्वयं भगवान सूर्य से ही शिक्षा अर्जन किया था, और इस हेतु ये आपके शिक्षा भाव पर आए हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आए हैं, आपको शिक्षा में लाभ। अब मान लीजिए कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आपके भाई आपके जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं अथवा नौकरी करते हैं, तो वहाँ भी तो आपको ज्ञान की ज़रूरत है। उन क्षेत्रों पर आपके ज्ञान की वृद्धि कराने के लिए सूर्यदेव आए हैं। माना जाता है कि सूर्यदेव जब यहाँ पर होते हैं तो एक अच्छा कंडीशन माना गया है, क्योंकि ये प्रारब्ध का भाव भी यही है। तो जब प्रारब्ध भाव पर सूर्यदेव होते हैं तो हमें प्रारब्ध हमने पूर्व में जो काम किए हैं उनका भी प्रतिफल यहां पर मिलने की सबसे बड़ी संभावना। दूसरा वो यही भाव आपके शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट में यदि यहां पर पैसे आपने लगाए हैं तो थोड़ा सा सतर्कता रखने की आवश्यकता है, सतर्क रहें इस टाइम पर। अभी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है, परंतु आपने पहले से कोई इन्वेस्ट कर रखा है उसके लिए यहां पर अच्छा माना जाएगा। तीसरा, यदि आपको संतान संबंधी कोई समस्याएं चल रही हैं तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर ये आएगा, क्योंकि ये अष्टम भाव के मालिक
मालिक है। अष्टम भाव के स्वामी का पंचम में आना, एक अष्टम भाव तो ऐसे थोड़ा बाधाकारक माना ही गया है, तो अष्टम भाव का पंचम में आना थोड़ा बहुत बाधा दे सकता है। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, उसके एजुकेशन को लेकर के, उनके कैरियर को लेकर के, या बच्चे गलत मार्ग में चले गए हैं उनको लेकर के, या उनकी उद्दंडता बढ़ गई है इसको लेकर के, कुछ न कुछ संतान संबंधित थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी भाई। परंतु इसमें हमको तकलीफ इसी बात पर आपको नहीं होना है। सूर्य यहाँ पर आकर के उस भाव पर भी मरकरी लाइट लगा रहे हैं, ये समझिएगा बस। ये अपने शत्रु के राशि पर होने के कारण थोड़ी बहुत आप नेगेटिव प्रभाव आपको देंगे, परंतु ये कभी मत भूलिएगा कि सूर्य आपके आत्मा के कारक हैं। सूर्य जहाँ होंगे आपकी आत्मा वहीं होंगी। आप देख लीजिएगा इस महीने 15 मई 2023 से लेकर के 15 6 2023 तक आपके आत्मा पंचम भाव में रहेगी। शिक्षा के लिए आप ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, अपने संतान के लिए आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपने जो निवेश आपने किए हैं, जो शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा, इस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। विशेष तौर पर यही वो भाव है जो आपके बुद्धि का भाव भी है। तो बुद्धि के भाव पर सूर्य का होना, कहीं ना कहीं एक अच्छी बुद्धि की उत्पत्ति होना, और उसी बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इनकी दृष्टियां, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि एकादश भाव, जो कि लाभ का भाव होता है। लाभ भाव पर, एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि होना आपके इनकम को बढ़ावा दे देगा, आपके गेंस को बढ़ा देगा, यहाँ पर आपके इच्छाओं की पूर्ति को यहाँ पर बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि सूर्य यहाँ पर जिनके घर पर दृष्टि दे रहे हैं वो उनकी मित्र की राशि है। मित्र की राशि पर सूर्य का होना आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जो भी हमारी कामनाएं हैं, जो लग रहा है कि हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, इस एक महीने के दौरान आपको वो सारे रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ऐसा ही होगा, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं बात आ रही है, इसलिए बात आ रही है कि क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी घटना एक अकेले किसी ग्रह के नाम से नहीं होती। हमारे जीवन में सारी घटनाएं जो होती हैं वो 9 ग्रहों के विवेचना के आधार पर होती है। अभी जून महीने का आएगा राशि फल, जिसमें हम सभी 9 ग्रहों के आधार पर आपका जून महीना कैसे जाएगा इस पर विवेचना करेंगे। और यदि विस्तृत जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं हमसे। देखिए हमारे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा अपने कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगा कि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य कहाँ है और अभी वर्तमान में सूर्य कहाँ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक सही प्रेडिक्शन निकाला जा सकता है। इस दरमियान जो सबसे अच्छा उपाय आपको करना है, देखिए उपाय सूर्य के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, भानु प्रिय नमस्कार। हमने सभी राशियों में एक ही उपाय बताया है, कारण सिर्फ इतना है कि भगवान सूर्य जो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं वो भगवान सूर्य प्रणाम करने में होते हैं। तो इसलिए यदि आपको 12 नमस्कार के आसन आपको पते हैं तो उन आसनों का आप प्रातःकाल आप आसन कीजिए, 12 नमस्कार कीजिए सूर्य को, उससे आपको अच्छी कृपा मिलेगी। सूर्य आरोग्यता का देवता है, सूर्य जहाँ पर जाते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, पंचम भाव को प्रकाशित करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव परिवर्तन का भाव भी होता है, इसलिए जीवन में परिवर्तन की ज़्यादा संभावना भी यहाँ पर सूर्यदेव बनाएंगे। उम्मीद है आप मकर लगन मकर राशि के भाई बहन इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे अच्छी तरह से समझा है तो अपना लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।